देख सकते हैं दोस्तों, ये है गांधी सेतु पुल पटना का, बिहार का राजधानी है पटना, उसके पास का। और देख सकते हैं दोस्तों, हम गांव में आ गए हैं, देख सकते हैं ये गांव का नज़ारा। हेलो दोस्तों देख सकते हैं कि हम आ गए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। मम्मी को छोड़ने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ करके मेरा मन कर गया कि मम्मी को अकेले ना जाने दूँ, तो मैं फाइनली चला हूँ। मैं भी गांव के लिए निकला हूँ, बिहार जा रहा हूँ। देख सकते हैं कि अभी ट्रेन आने में अभी लेट है, ट्रेन 5:30 बजे की, अभी 4:30 बज रहा है। तो मैं फ़िलहाल रेलवे स्टेशन पर ही रुका हूँ, अब जाऊँगा अंदर। जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन 16 नंबर प्लेटफार्म पर आएगी, देख सकते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, मैं ट्रेन में बैठ गया हूँ। ट्रेन में काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, देख सकते हैं लोग नीचे बैठे हुए हैं। आप सब देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। ये देख सकते हैं भोर का समय है, देख सकते हैं कैसे लोग नीचे बैठे हुए हैं। सारे लोग, कोई लोग ऊपर हैं, कोई लोग नीचे हैं, पर सब लोग इधर। देखिए मम्मी हैं, मम्मी सो ये मैं अब पटना पहुंच गया। देख लीजिए दोस्तों, ये पटना रेलवे स्टेशन है, मैं ऑटो में बैठ गया हूँ। और ये देख सकते हैं, आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये पटना रेलवे स्टेशन है, पटना जंक्शन। तो देख सकते हैं दोस्तों, मैं यहाँ से ऑटो ले लिया हूँ घर जाने के लिए। देख सकते हैं दोस्तों, ये है गांधी सेतु पुल, जो कि नया बना है, अभी पुराने वाले तोड़ करके नया बना है। देख सकते हैं दोस्तों, काफ़ी सुंदर है नज़ारा यहाँ का। और देख सकते हैं ये यहाँ पर ऊपर भी बहुत अच्छा से डिज़ाइन किया गया है, सारे लोहे की है बना हुआ है। और माना जाता है कि ये भारत के दुनिया का सबसे लंबा पुल है, गांधी सेतु पुल। अब सब अभी अलग बन गया है, पर ये दुनिया का सबसे नंबर वन लंबा पुल जो था, ये लगभग काफ़ी लंबा है। दुनिया में कितना लंबा है, पर यह लंबा बहुत ज़्यादा। तो देख सकते हैं, आप खुद ही देख लीजिए दोस्तों कि कितना लंबा है, पता नहीं होने का नाम नहीं। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैं ऑटो में बैठा हूँ, देख सकते हैं। और पुल के साइड से देख सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी मतलब प्यारा लग रहा है। मैं आप बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा है। अगर आप कभी घूमने जाइएगा तो ज़रूर इसके नीचे गंगा नदी है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा जा करके। और ठंड के मौसम में तो सुबह नहाने में मज़ा आता है गंगा जी में, उसके बगल में ही नीचे में। और देख सकते हैं दोस्तों कि हम अब पहुँचने वाले हैं जगुआ, हाजीपुर, वैशाली। तो देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा मतलब शीशा लगा हुआ इस गाड़ी पर। और मतलब दोस्तों ये है कि बिहार का जो है फेमस चीज़ में से एक ये भी है। तो हम पुल क्रॉस कर गए हैं, जरिया पहुँचने वाले हैं दोस्तों। और अब गाँव का मौसम बहुत ही अच्छा है, काफ़ी अच्छा है मौसम। तो देख सकते हैं दोस्तों, हरियाली भी नज़र आ रही है साइड से। गाँव का रुतबा ही कुछ अलग होता है। और फाइनली मैं भी गांव आ गया हूँ, जैसे कि मैं बताया था कि मम्मी को छोड़ने में आया था, और मम्मी को अकेले छोड़ने की वजह में मैं भी आ गया। और देख सकते हैं दोस्तों, मैं आ गया हूँ अब अपने घर के बहुत ही नज़दीक में। तो गाड़ी में बैठ गया हूँ, देख सकते हैं दोस्तों, ये हमारा बाज़ार है, मार्केट है। मार्केट से निकलने के बाद ये देख सकते हैं कैसा नज़ारा है यहाँ का। तो यहाँ पे ऑटो चलता है, देख सकते हैं कि ये वाला ऑटो है, यहाँ पे ठेला है। काफ़ी अच्छा अच्छा चीज़ है यहाँ पे, और सबसे बड़ी बात है कि शुद्ध हवा है, हवा बहुत ही अच्छी है यहाँ का, देख सकते हैं दोस्तों।
बस रास्ता डैमेज है पर ठीक है, गांव है तो गांव जैसा ही रास्ता बनाया हुआ है। काफ़ी ज़्यादा इधर आ गया और दिखाता हूँ मैं आगे और ही डैम। तो देख सकते हैं दोस्तों, हम गांव आए हुए थे, देख सकते हैं मम्मी है, दादी है, सब लोग हैं। और देखिए हरियाली कितना अच्छा लग रहा है। मेरा कैमरा ख़राब है फ़ोन का, फिर भी हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं। अब आप लोग का सहयोग होगा तो अच्छा अच्छा खासा फ़ोन ले लेंगे। तो